हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन को ना फैक्ट्री रिसेट आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ना फैक्ट्री रिसेट करने का तरीका बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि मोबाइल फोन को फैक्ट्री रिसेट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड है सिस्टम पे टैप करना है, यहाँ पर आपको रिसेट ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रिसेट पे आप टैप करेंगे तो इससे आपका मोबाइल फोन फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली अपने फोन को फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मोबाइल फोन को फैक्ट्री रिसेट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए चार बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ध्यान रखनी है आपके फोन का जो सिम कार्ड है मोबाइल से बाहर निकाल के रखना है। दूसरी बात ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन में अगर कोई भी मेमोरी कार्ड आपने लगा रखा है तो उस मेमोरी कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के रखना है। तीसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जितना भी डेटा है ना, आप अपने मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और देखिए मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप लेने का फायदा क्या होता है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए चौथी बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, लिख के रखना है, ठीक है। ये चार काम पहले करने हैं फैक्ट्री रिसेट करने से पहले, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप लेने का फायदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब आप ये चार काम पहले कर लेंगे फिर इसके बाद आप अपने फोन को फैक्ट्री रिसेट करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन के अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। और फैक्ट्री रिसेट करने के बाद जब आप अपने मोबाइल फोन में पहले वाली जीमेल आईडी को दोबारा से लॉगिन करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन का जो डेटा डिलीट हो गया था ना, वो सारा का सारा वापस आ जाता है आपके फोन में, रिकवर हो जाता है। तो मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप लेने का ये फायदा हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जो है ना, मैं आपको एक बात आखिर में कह देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आपको अपने मोबाइल फोन का डेटा वापस चाहिए तो आपको फैक्ट्री रिसेट करने से पहले ये चार काम कर लेने हैं मेरे बताए हुए, ठीक है। अगर आपको फोन का डेटा वापस चाहिए तो, अगर आपको अपने मोबाइल फोन का डेटा वापस नहीं चाहिए तो आपको ये चार काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने फोन को फैक्ट्री रिसेट कर देना है जिससे आपके फोन का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, जिससे आप बाद में रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है।